वैसे तो पूछा तो सभी चैप्टर से जाता है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, जैसे आपका ये एसिड बेस एंड साल्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अच्छे वेटेज के साथ रहता है, टेंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका भी रोल रहता है, ऐसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, काफ़ी रोल रहता है उसका एनटीएससी में। तो ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है, जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बोलो बेटा। तो हम उन्हीं चैप्टर्स की बात करते हैं। हम आज एनटीएससी सीरियल में एसिड बेस एंड साल्ट ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट के आसपास के ही हैं, लेकिन हाँ मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो स्टेज सेकंड को टच करते हैं। आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हाँ ऐसा है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच के बारे में हमको आइडिया है पहले से थोड़ा बहुत, क्या सिस्टम है बेटा? ये रहा पीएच का, पीएच हम लाइन से समझते हैं, ये पीएच का सिस्टम है। यहाँ पे पीएच जो है वो जीरो है, इसके इधर मैक्सिमम पीएच यहाँ पर 14 है और मिनिमम पीएच जो है वो आपकी जीरो है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। 7 पर अगर कोई सोल्यूशन होगा तो हम उसको न्यूट्रल मान के चलेंगे, हम उसको न्यूट्रल मानेंगे। जैसे जैसे पीएच, सॉरी 7, जैसे जैसे पीएच हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सोल्यूशन का बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, पीएच अगर इंक्रीज होगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, पीएच जैसे जैसे डिक्रीज होगी घटेगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। 7 पर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, 7 पर न्यूट्रल है, 7 से 7.2 किया बेसिक हो गया, 7.3 किया और बेसिक हो गया, 7.8 किया और बेसिक हो गया, 8 हुई और बेसिक, 9 और बेसिक, 10 और बेसिक, मतलब 7 से 14 तक पीएच जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। लेकिन 7 से नीचे पीएच जैसे लाओगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम पड़ती जाएगी। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि कंपाउंड में आपको ये कुछ चीजें दे रखी हैं और आपसे पूछा इसमें पीएच अरेंज करिए। देखिए इसमें सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा दे रखा है? HCl। तो इसकी पीएच सबसे कम होगी, मतलब सेकंड जो है इसकी पीएच सबसे कम होगी। तो सेकंड सबसे कम वाले कौन कौन से ऑप्शन है? डी है, सी है और ए है, मतलब बी ऑप्शन आपके लिए किनारे हो गया, ठीक है, बोलो बेटा। है ना, एसिड है कौन कौन से, मैं तीन चीजें आपको डिक्टेट करता हूं, जैसे ये और ये तीन चीजें एसिडिक है नेचर में, और ये दो चीजें जो हैं, ये दो चीजें नेचर में बेसिक हैं, बेसिक हैं, ह्यूमन ब्लड और 1 मोलर NaOH, वो तो बेस है ही, ह्यूमन ब्लड भी बेसिक होता है हल्का सा नेचर में, ठीक। तो अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे स्ट्रांग ये होगा, इसकी पीएच सबसे कम होगी। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 डिसॉल्व रहता है और CO2 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये भी एसिड होता है और लेमन जूस भी एसिड है, तो ये तीन एसिड हैं, इसकी पीएच सबसे कम होगी HCl की, उससे ज्यादा लेमन जूस की होगी उस, क्योंकि उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो आपका कार्बोनिक एसिड से थोड़ा ज्यादा होता है, सिट्रिक एसिड होता है इसमें ना। तो सेकेंड नंबर पे आएगा फोर्थ, और तो फोर्थ का कोई ऑप्शन दे रखा है, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला मतलब 1 मोलर HCl, इसकी पीएच सबसे कम होगी, उससे ज्यादा इन दोनों की होगी, सॉफ्ट ड्रिंक और एसिडिक जो आपका लेमन जूस है, लेमन जूस जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ
HCl से कम होगी और H2CO3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, सबसे कम पीएच किसकी होगी? HCl की। फिर हाँ, ये नंबर वन पे आएगा, ये नंबर टू पे आएगा, ये नंबर थ्री पे आएगा, ठीक। उसके बाद ये नंबर फोर पे आएगा और सबसे ज्यादा पीएच होगी NaOH की। समझ पाए? तो ये ऑर्डर जिसमें फॉलो हो रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी के मन में? नो सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक्वस सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसमें भी हमको चीजें देखनी पड़ेंगी। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटैलिक ऑक्साइड ये नेचर में बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक पता कैसे चलेगा? पानी में डाल के। वाटर में अगर मेटैलिक ऑक्साइड डालोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, नॉन मेटैलिक ऑक्साइड डालोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें मेटैलिक ऑक्साइड आपको अलग करना है, सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि हाँ, इन्होंने बेसिक इन नेचर पूछा है, तो बेसिक इन नेचर मेटैलिक ऑक्साइड ही होगा। तो एक तो ये मेटैलिक ऑक्साइड है और एक ये मेटैलिक ऑक्साइड है, दो मेटैलिक ऑक्साइड है। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, किसमें मैच कर रहा है? बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे किया? यहीं पर ये भी पूछ सकते थे कि कौन सा एसिडिक है, तो जो आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा ये एसिडिक होगा। क्यों? CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H2O, ये बनाएगा H2CO3, तो इसका मतलब एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। SO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका बना देगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। मतलब नॉन मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मेटल के हालात, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, और अगर आप मैग्नीशियम को डालेंगे MgO तो ये बना देगा, H2O में अगर आप ऐड करेंगे तो ये बना देगा MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बोलो, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। जितनी एंटासिड सिरप होती हैं, जो एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन पड़ने लगती है, हर्ट बर्न बोलते हैं उस डिजीज को, तो उसमें जितनी सिरप आती हैं आपकी, डाइजीन हुई, डाइवॉल हुई, उन सब में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है। एसिड हमारे स्टमक में बन रहा है, बेस हम एक्सटर्नली ले लेते हैं, तो क्या होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, जो जलन हो रही है, जो आपकी बर्निंग सेंसेशन है वो शांत हो जाता है। समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। हाँ, एंटासिड वो होते हैं जो एसिड, एंटा का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, और एसिड का मतलब जो एसिड के अपोजिट वर्क करें, तो बेस होते हैं एंटासिड। एंटासिड जो मेडिसिन के तौर पे यूज होता है वो आपका मैक्सिमम सिरप में MgOH का होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन मिल्क जैसा दिखता है, बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? समझ आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड, ये वाला थोड़ा सा समझने वाला है। ये क्या कह रहे हैं, अ साल्ट एक्स विच इज एन इनग्रेडियंट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स अनदर साल्ट वाई। एक साल्ट है एक्स, जिसका अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब बेटा क्या होता है, बोलो, हीट करके उसको डिकम्पोज कर देना। थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो एक और साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है वाई में, ठीक। फिर कह रहे हैं विच ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन गिव्स द कंपाउंड जेड। अगर इसको रिक्रिस्टलाइज कर दो, रिक्रिस्टलाइज, तो ये आपको एक नेक्स्ट कंपाउंड दे देता है जेड। फिर क्या कह रहे हैं, विच इज वापिस क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देना। पहले ये एक्स क्रिस्टल था, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो ये जो वाई बना, ये कोई जरूरी नहीं कि क्रिस्टल मिले ही आपको उस टाइप का, उसको वापिस अगर रिक्रिस्टलाइज का मतलब वापिस क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, ठीक। तो आपको एक नेक्स्ट मिलेगा कंपाउंड, जिसका नाम दिया जेड,
विच इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आपको इतना पता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। बोलो, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस चीज की वजह से होती है? बोलो बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर दो होती हैं, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी जो होती है वो किस वजह से होती है और परमानेंट होती है वो किस वजह से होती है? ये होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये किस वजह से होती है? क्लोराइड एंड बाइसल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। साल्ट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनकी वजह से होता है। ठीक, इसको रिमूव करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? बोलो बेटा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3। सही तो बोल रहे हैं, डरते क्यों रहते हैं? Na2CO, Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा है और ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एक एडवर्टीजमेंट आता है टेलीविजन पर कि ऐसा कोई सोप है जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। एक्चुअल में जो सोप है वो खारे पानी का मतलब क्या है? हार्ड वाटर है, और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट वाटर में, और वो करता है वॉशिंग सोडा। तो जो जेड है वो वॉशिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा जेड जो है ये आपका फोर्थ ऑप्शन में है। एक तो यहां से क्वेश्चन लग सकता है। अच्छा, मैं पूरा रिएक्शन के थ्रू बता दूं। देखो, MgOH को अगर आप हीट करोगे, MgOH को अगर आप हीट करोगे तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा MgO+H2O, मतलब दूसरा साल्ट नहीं मिला आपको, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। Na2CO3 थर्मल डिकम्पोजिशन Na2CO3 का आसानी से नहीं होता, जो सोडियम पोटेशियम वगैरह के कार्बोनेट्स होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कैल्शियम कार्बोनेट टूट सकता है, CaCO3, अगर आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन इसका कराते हो तो ये जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है, तो ये भी साल्ट नहीं बना रहा है, साल्ट के नाम पर सिर्फ एक बचा है जो साल्ट में कन्वर्ट होगा, 2NaHCO3। अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये जाएगा Na2CO3+H2O+CO2, मतलब साल्ट जो ये है ये आपका हो जाएगा X और ये हो जाएगा आपका Y। और अगर आपको आप इसको रिक्रिस्टलाइज करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3.10H2O, तो ये आपका हो जाएगा Z। समझ पाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर डी। वैसे भी आप इसको कर सकते थे अगर आपको हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा पता होता कि वॉशिंग सोडा जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, या आपको ये पता हो कि कौन सा साल्ट थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या देता है, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस को आप केवल वाटर को हीट कर दीजिए तब भी रिमूव हो जाता है। कभी सप्लाई का पानी लीजिए और उसको बॉयल करिए, जब आप बॉयल करने के बाद देखेंगे तो उसमें वाटर के ऊपर भी आपको वाइट वाइट सा पाउडर लगेगा, और जिस वेसल में आपने बॉयल किया होगा उसमें भी वाइट कोटिंग आपको नजर आएगी। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो वो एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, बोलिए। मैं बता दूं आपको, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए। देखिए, अच्छा अच्छा तब ठीक है, CaHCO3 है, बाइकार्बोनेट है, हीट करेंगे, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम वाटर में सॉल्युबल होता है तो दिखता नहीं है, हीट करने के बाद वो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है, वो दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ जोर जरूर डालना पड़ेगा आपको। बताइए, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक एसिड अमंग द फॉलोइंग, वो एसिड जो प्लांट से मिलते हैं। हाँ, 1 1
थ्री फोर, ठीक। तो मतलब फर्स्ट थ्री थर्ड एंड फोर्थ कौन सा ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, समझ रहे हैं। टार्ट्रिक एसिड किससे मिलती है, टार्ट्रिक एसिड किससे मिलता है, इमली से। ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलता है, हाँ ये चीजें पता होनी चाहिए, ये ढूंढ के आप रखेंगे। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, लेमन से। लेमन के जितने भाई बहन होते हैं सबसे सिट्रिक एसिड मिलता है। और क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, हाँ कर्ड से, कर्ड से। मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो खट्टापन होता है सोरनेस, वो इसी की वजह से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन। हाँ बेटा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। हाँ प्लांट से नहीं मिलता लेकिन लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज, जो हाँ वो एसिड जो मिनरल से बने होते हैं उनको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिनरल मतलब जैसे आपका ये है हाइड्रोब्रोमिक HBr, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये सारे कार्बन के एसिड होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। बोलो बेटा, नहीं दो ही टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, और कोई एसिड नहीं होते, ओके। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में पढ़े जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, ठीक। मेनली प्लांट से मिलते हैं, हाँ बैक्टीरिया फंगस से भी बहुत सारे मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला ऑफ जिप्सम इज, बताइए कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। जो हाँ CaSO4.2H2O इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आप इसको हीट कर दें तो इसमें होता क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.5H2O प्लस, ये इतना निकल जाता है, इतने को बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ पा रहे हैं। बोलो बेटा, ये CaSO4.5H2O ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम को ही, जिप्सम में हाफ वाटर निकलने की वजह से बनता है, समझ पाए। वो बैलेंस नहीं है, अगर आप उसे बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। वो 2-2 कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे आएगा। हेमी हाइड्रेट होता है फार्मूले, जहां पर आप पीओपी का देखेंगे वहां पर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो लिखने का मेथड ऐसा ही होता है, जब आप बैलेंस करोगे तो कुछ चीजें हट जाएंगी, समझ पा रहे हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो जो पीओपी होता है उसमें हाफ वाटर होता है। ये जो छत में लगती है वाल पुट्टी, जो आपका प्लास्टर, जब किसी के हैंड वगैरह में बोन में चोट लग जाती है तो वो जो चढ़ाया जाता है वो इसी से बना होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जिप्सम का। ये आपका जिप्सम है, ये आपका जिप्सम है, ये आपका पीओपी है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा, ये आपका पीओपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कई सारी चीजें सीखने को मिलती रहनी चाहिए। एसिडिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड आर रिस्पेक्टिवली। पहले तो ये पता हो कि एसिडिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसे कहेंगे। कोई भी बेस, बिल्कुल सही बताया आपने, कोई भी बेस जितने OH आयन दे सकता है, जितने OH आयन डोनेट कर सकता है वो उसकी एसिडिटी होती है। और कोई भी एसिड जितने H+ आयन दे सके वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, तो ये 2OH दे सकता है, Mg2+ प्लस OH 2OH-, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी, एसिडिटी होगी, वो 2 होगी। अच्छा फास्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, ये कितने H+ दे सकता है, 3H+ प्लस PO4 3-, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी होगी 2 और H3PO4 की बेसिसिटी होगी 3, मतलब 2 और 3 कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। जी हाँ बताओ। CH3COOH की बेसिसिटी कितनी होगी? सारे लोग बताएं। इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, 1 होगी। मैंने ये हमने क्लास में बताया था, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन यही होती है, सिर्फ ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाले एसिडिक नहीं होते, नॉट डिसोसिएट एज एच प्लस, ये वाले H प्लस की फॉर्म में नहीं टूटते, केवल ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला H होता है यही एसिडिक होता है। समझ पा रहे हैं? तो पीछे चाहे जितने हाइड्रोजन दिए हों वो एसिडिक नहीं कंसीडर होंगे, एसिडिक सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन होगा। समझ पाए? ठीक, आगे देखते हैं बेटा। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH, बताइए कितने H प्लस दे सकता है? बोलो, लास्ट में इसमें भी H है और लास्ट में इसमें भी H है और यही H एसिडिक होते हैं, तो 1 और 2 इसका बेसिसिटी हो जाएगी, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो कोई भी एसिड में जो लास्ट में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H होता है वो एसिडिक होता है, इधर वाले नहीं होते। हम आपसे कहते कि इधर CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में COOH है, बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? बोलो बेटा, सिर्फ 1 होगी। बिल्कुल सही है, ये पीछे वाले हाइड्रोजन है, ये एक भी हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एन एसिड इज, ये सब बता देंगे, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? प्रोटॉन डोनर। 3 थ्योरीज दी गई हैं, कौन कौन सी बताओ? पहली थ्योरी किसने दी थी? आर्हेनियस थ्योरी। क्या बताया था? H प्लस डोनर एसिड होते हैं और OH डोनर बेस होते हैं। उसके बाद कौन सी थ्योरी दी गई? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। उन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन डोनर आर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। बोलिए थर्ड थ्योरी दी गई, लुइस ने दी थी। उन्होंने लोन पेयर के टर्म में कहा था कि जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो लुइस बेस होते हैं और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुइस एसिड होते हैं। तो ये 3 थ्योरीज हैं। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन के बारे में बात की गई है, तो प्रोटॉन डोनर क्या होंगे? एसिड होंगे। इन 3 थ्योरीज से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कर लेंगे ना बेटा? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When litmus is added to solution of borax, बोलिए क्या होता है borax? What is borax? Borax क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये कंपाउंड borax होता है, बोरिक एसिड से मिलता है, नेचर में बेसिक होता है। बोलिए अब आप इसका ऑप्शन बता देंगे मुझे? बिल्कुल सही है, ब्लू हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है लेकिन लिखी हुई लैंग्वेज नहीं समझ आती है, कई बार क्वेश्चन आता होता है। अब मान लो यहाँ पे बोरेक्स नहीं पता था और क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो क्या करते बताओ? कोई ऑप्शन था आपके पास? क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पूछा, पता चल रहा है कि जो पूछ रहे हैं एक्चुअल में है क्या। अगर ये पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो इन चीजों को भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो लिटमस है, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइकेन कहते किसको हैं? बोलिए, मालूम नहीं है ना? जब एक एल्गी और एक फंजाई आपस में म्यूचुअल रिलेशन के साथ एक साथ रहते हैं, समझ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लाइकेन। ये जो आपका लिटमस है ये एक लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए बताइए, मेटैलिक ऑक्साइड आर
मुझे नहीं लगता कोई नहीं कर पाएगा। ऑप्शन देख के बताइए, मेटैलिक ऑक्साइड आर इन नेचर बट नॉन मेटैलिक ऑक्साइड आर। हाँ, जितने मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं तो आंख बंद करके आप बोलेंगे बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटैलिक जितने होते हैं आप आंख बंद करके बोलेंगे एसिडिक इन नेचर। समझ पाए? पता कैसे चलेगा? अगर कोई भी मेटैलिक ऑक्साइड है और आप उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो वो कंफर्म है कि मेटैलिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई नॉन मेटैलिक ऑक्साइड है और आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में तो कंफर्म है कि वो किसी ना किसी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल अभी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। CuO कॉपर ऑक्साइड है, X से रिएक्शन कराया, कौन सा एसिड होना चाहिए बताइए? सीधी सी बात है, सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट ही बन रहा है तो इसके भी होने के चांसेस नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता लेकिन उसमें के 3 ऑप्शन जो इनकरेक्ट हैं वो हमको पता चल जाते हैं, तो उनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो प्रोडक्ट है उसमें साल्ट दिया है CuSO4, क्या ये एसिड हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। HNO3 हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साल्ट में उसका प्रोडक्ट नहीं मिला। CuSO4 प्रोडक्ट है तो X की जगह पर पॉसिबल नहीं है, तो एक ही एसिड बचा H2SO4। बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, अभी बताया एक, हाँ अभी एक 30 सेकेंड हुए होंगे, मुश्किल से एक मिनट। किससे मिलता है? जिप्सम से। बोलो कैसे मिलता है? जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, ये है आपका जिप्सम। अगर आप इसको हीट कर दें तो ये बन जाता है CaSO4.5H2O, और जो इसमें 1/2H2O होता है ये डिहाइड्रेट हो जाता है। इतने को बोलते हैं POP, वाल पुट्टी में यूज होता है, कभी बोन में चोट लग जाए तो फिक्स करने के लिए यूज होता है, ये आपका POP है। अगर पूछा जाए कि अगर जिप्सम में क्या ऐसा किया कि POP बन गया तो क्या किया होगा? डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन से बनता है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। कहते सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको बताया, बताइए किस वजह से होता है? डिहाइड्रेशन से। एग्जैक्टली करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर निकल जाता है, अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वो जिप्सम में आ जाता है, जो आपका 2H2O था वो जिप्सम है। अगर उसमें से 1.5 वाटर निकल जाए तो वो क्या हो जाता है? POP हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा तब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। जैसे CaSO4 लिया है तो इसमें सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, आप वाटर निकाल रहे हैं तो CaSO4.5H2O, इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो आप कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो ये कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा इज, बताइए क्या होगा? NaHCO3, बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा क्या होगा? NaTo CO3। स्टेज फर्स्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, .10H2O, तो ये आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? ये भी आया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? ये साल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। बोलो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? CaOCl2, किसने बताया? बिल्कुल सही बताया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ये फार्मूले आपको लर्न रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द डिफरेंस इन नंबर, ये क्वेश्चन जो है ना ये केमिस्ट्री से कम है, रीजनिंग से ज्यादा है, आप बताइए, आप आंसर बताइए इसका। कह रहे हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 3/2 कितना आएगा? देखते हैं। अरे भैया,
जिप्सम में टू वाटर वाली क्यों लें और पीओपी में हाफ है, बस इसको माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 3/2, यही आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन है, डी। इसका केमिस्ट्री से मत बताया तो केमिस्ट्री से सिर्फ फार्मूले का मतलब है। अब इसमें प्लास्टर क्वेश्चन क्यों छूट सकता है, आप हो सकता है आपको फार्मूला याद ना हो कि जिप्सम का क्या फार्मूला है और पीओपी का क्या फार्मूला है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं और पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो आप माइनस नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो जो साल्ट्स के फार्मूले हैं, जो दिए गए साल्ट्स के फार्मूले हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। When a base is dissolved in water, ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है। आप सोचिए, बेस इज डिजॉल्व इन वॉटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? हाँ, अगर कोई बेस आप ऐड कर रहे हैं, बेस, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, समझ रहे हैं? अगर कोई एसिड ऐड कर रहे हैं तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अच्छा, वहीं पर दो टर्म आप मुझे बताइए कि हमने बेस ऐड किया वाटर में, पीएच क्या होगी? हाँ, बेस के केस में पीएच बढ़ेगी। अरे भैया, अभी तो बताया 7 से बढ़ती चली जाएगी। अगर आप बेस ऐड कर रहे हो तो पीएच में लगातार इंक्रीमेंट होने लगेगा, और अगर आप एसिड ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होने लगेगा। बोलिए, नहीं समझ आ रहा है? बेस अगर आप कहीं पर ऐड कर रहे हो, अगर बेसिक नेचर आप सोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, तो पीएच 7 से बढ़ती चली जाएगी। हाईली बेसिक जब होगा, बिल्कुल टॉप मोस्ट, तब 14 पहुंचेगा। और अगर कहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब एच प्लस बढ़ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, लगातार पीएच डिक्रीज होती चली जाएगी। कहां तक? 1 तक, या उससे भी नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें कौन सा होगा, पहला ऑप्शन, इंक्रीज होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ब्रिन, अच्छा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ब्राइन इज एन एक्वस सोल्यूशन। ब्राइन जो होता है वो NaCl प्लस वाटर, इनके सोल्यूशन को बोलते हैं, ये होता है आपका ब्राइन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे आप दो टर्म और पढ़े थे आपने, एक आपने पढ़ा था काइल साल्ट पीटर या चाइल साल्ट पीटर, किसी को याद है किसे कहते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है किसी को याद नहीं है। बंगाल साल्ट पीटर पढ़ा था? पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, मैंने खुद पढ़ाया है। HNO3 वाले चैप्टर में आप देखिएगा, नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में, जहां पर आप प्रिपरेशन आप HNO3 पढ़ रहे हैं, वहां पर देखिएगा, जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका यही दो नाम होंगे। बताने नहीं जा रहा मैं, एक बार ढूंढ के देखिएगा, बुक में भी दिया है। ये टर्म आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि अगर ये टर्म याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप चीजें समझिए, फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हालांकि फ्रेश मिल्क की जो pH होती है वो 6.5 टू 6.7 तक वेरी करती है, या 8 तक ऐसे होती है लगभग। ऑन चेंजिंग इनटू कर्ड इट्स pH बिकम, दूध था उसकी pH इतनी थी, हाँ कह रहे हैं दही बना रहे हैं, बताओ pH में क्या चेंज होगा? जब कभी भी मिल्क की कर्डलिंग होती है तो उसमें एसिड बढ़ जाता है। कौन सा एसिड? किससे मिलता है? किससे मिलता है, कौन उसको सिंथेसाइज करता? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से कर्डलिंग होती है, और पीएच अगर एसिड बनने लगा तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, लेस देन 6 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू गिव दिस साल्ट। पहली बात, जहां पर जो साल्ट का नेचर है उसको आप अंडरलाइन करिए। इन्होंने क्या कहा है कि एक साल्ट, एक्वस सोल्यूशन मिला है साल्ट का, ऑप्शन ए। ठीक, अगर आप देखिए, सुनिए मेरी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस,
अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो आपका न्यूट्रल होगा, ठीक। अच्छा, वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन कराएं, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तब भी जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर होगा ये भी आपका न्यूट्रल होगा। हाँ, अब दो चीजें बची, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जो चीज स्ट्रांग लोगे उसी का नेचर आपको मिलेगा रिजल्टेंट में। तो यहां पर स्ट्रांग एसिड लिया है तो रिजल्टेंट एसिडिक होगा, अगर यहीं पर आप इसका अपोजिट ले लें तो बेसिक मिल जाएगा। इन्होंने जो पूछा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, मतलब एसिड स्ट्रांग लिया होगा और बेस वीक लिया होगा, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस न्यूट्रल हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल हो जाएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक हो जाएगा। बोलो, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कौन सा? ये, यही एसिडिक हो सकता है। समझ आया? बोलो। अच्छा सुनो, एक और बात हो सकता है, ऑप्शन में ये ना दे करके रिएक्शन दे दे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बताए हैं, नोट्स में भी भेजे हैं, हो सकता है रिएक्शन दे दे कि जिसमें आपको जैसे HCl और कोई बेस भी लिख दे साथ में NaOH, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो हो सकता है उस टाइप से भी आपको प्रेडिक्ट करना पड़े कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप के एसिड बेस से हो रही है, ये तो लैंग्वेज की बात होगी। हो सकता है ये चीज इसी टर्म में दे दे कि जैसे मान लो ये है, ये दे दे HCl प्लस NH4OH, ऐसे दे दें, समझ रहे हैं, और नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, उसके साथ कुछ और, तो रिएक्शन देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चलिए, द केमिकल फार्मूला ब्लू विट्रियोल इज, बताइए। हाँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, सबको बताइए, ब्लू होता है, ठीक, ब्लू होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको रोमन विट्रियोल भी बोलते हैं, रोमन विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक, या इसी को विट्रियोल ऑफ साइप्रस भी बोलते हैं, विट्रियोल ऑफ साइप्रस, ठीक, ये इसके नाम है, ठीक। एक और चीज होती है FeSO4.7H2O, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक। एक और चीज होती है H2SO4, इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो विट्रियोल ऑयल इसलिए बोला जाता है कि सारे टाइप के विट्रियोल इसी से प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये ग्रीन होता है कलर में, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, ऑयली होता है नेचर में, और जो ग्रीन और ब्लू विट्रियोल है ये इसी से प्रिपेयर किए जाते हैं। समझ पाए? बोलो बेटा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई डाउट किसी के मन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भयंकर नाम कहाँ है, ब्लू विट्रियल ग्रीन विट्रियल कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, बोलो, भयंकर नाम अभी देखा कहाँ है? भयंकर नाम आगे आपको मिलेंगे, चिंता ना करिए, IUPAC में आइए, फिर दिखाते हैं भयंकर नाम, जब पूरा यहाँ बोर्ड के एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, दूसरे कॉर्नर पे नाम खत्म होगा, तब उसे बोलेंगे भयंकर। ये तो छोटा सा नाम है, प्यारा सा, ब्लू विट्रियोल कितना छोटा नाम है, ग्रीन विट्रियोल है ना, वैसे जब आप IUPAC में लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, तो उस कॉर्नर से खत्म शुरू स्टार्ट होगा, उस कॉर्नर तक जाएगा, और कोई जरूरी नहीं एक बार में खत्म ही हो जाए, हो सकता है सेकेंड लाइन भी यूज करनी पड़े, तब भयंकर की बात करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नाम याद रखने हैं, विच ऑफ द अमंगेस्ट फॉलोइंग कैन बी यूज एन एंटासिड, बता चुका हूं मैं पहले, बताओ। विनेगर तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये एसिड है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, फफोलिक ब्लिस्टर डाल देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस, समझ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया नहीं जाता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप उसे यूज कर नहीं सकते, थोड़े थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में आप उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या चीज? नहीं समझ, क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये पूछ रहे हैं विच अमंग,
हाँ, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एंटासिड। जो एंटासिड जब वर्ड आता है तो वो स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है उसके अपोजिट में वर्क करने वाला पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो एसिड के अपोजिट वर्क कर सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने अभी बताया था मिल्का मैग्नीशिया जब शुरुआत स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं आ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी, क्या होनी चाहिए? सोचो, ब्लू से रेड हो रहा है तो 7 से कम होगी पीएच, और रेड से ब्लू हो रहा है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी। और ये कह क्या रहे हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसका मतलब पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन पीएच 7 से ज्यादा है, 10 वाला है ना। ओके हाँ, नहीं दो ऑप्शन क्यों देते भाई, दो ऑप्शन होते तो हम भी उनसे पूछते कि फिर आप बताइए कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों उस चीज में हो सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन अपोजिट हो सकता है कि ऐसा एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच 10 है, बताइए वो सोल्यूशन ब्लू लिटमस को कैसे टर्न करेगा या रेड लिटमस को कैसे टर्न करेगा, ये हो सकता है। जहां पर आपका रेड लिटमस टू ब्लू दिया है वहां पर पीएच देके और इसके ऑप्शन बना दें, समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं, 7.1 पर नहीं होगा, इतनी वो नहीं होता। आप उसमें पीएच चार्ट देखेंगे तो 7 के आसपास ग्रीन कलर होता है लिटमस का, कि एकदम से कलर नहीं चेंज होता, जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर चेंज। हाँ, वो हाईएस्ट और लोवेस्ट पीएच की बात आ जाती है, समझ रहे हैं? जब बिल्कुल हाईएस्ट पीएच 14 पे होगा तब आपका डार्क ब्लू बनाएगा, और अगर बिल्कुल लोवेस्ट कंडीशन में होगा तो रेड बनाएगा, डार्क रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग, क्रश्ड एग जो सेल, ठीक है, जो एग सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कहते हैं टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की, लाइम वाटर टू मिल्की कौन करता है? CO2। याद कर लीजिए, द सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड की रिएक्शन, कभी मेटल कार्बोनेट से कराई जाए, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराई जाए तो आपको साल्ट CO2 और वाटर मिलता है। मैंने रटाया था आपको, किसी भी एसिड की रिएक्शन जैसे CaCO3 है, इसमें कौन सा एसिड आपको दिखाई दे रहा है बोलो बेटा? सिर्फ HCl। तो यहां पे अगर 2HCl ले ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CaCl2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2 में, CaCl2 में प्लस H2O और प्लस CO2, सीधी सी बात। और CO2 जो है ये लाइम वाटर में अगर आप मिक्स करोगे तो उसको क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। ठीक है, मिल्की कर देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बताओ कौन सा ऐसा है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं करेगा, बताइए कौन सा है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं करेगा? विनेगर तो एसिड है, वो तो करेगा। अच्छा, HCl भी तो एसिड है, ये क्यों नहीं करेगा बोलो बेटा? हाँ, ड्राई कंडीशन है, कोई भी एसिड या बेस तब तक अपना कैरेक्टर नहीं शो कर सकता जब तक कि उसका एक्वस सोल्यूशन ना लिया जाए। कैसा सोल्यूशन? एक्वस, वाटर के साथ। ये ड्राई गैस है, और ड्राई गैस HCl लोगे और लिटमस भी आपका वैसे ही हुआ तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? बोलो, अगर वेट लिटमस ले लें, भीगा हुआ लिटमस ले लें तो काम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? अगर लिटमस पेपर पानी में डुबा के ले तो होगा काम, ऐसे नहीं होगा, ड्राई कंडीशन में नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका सर। हाँ, ड्राई HCl गैस हाँ, अच्छा हार्मफुल किसकी, अपनी रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? Yes. अगर आप इनहेल कर जाओगे तो जब तक वो ड्राई है तब तक तो एसिडिक नहीं है, लेकिन अगर आप इनहेल कर जाओगे तो आपके रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है क्या उसमें पानी की कमी है कहीं? भर भर के पानी है, तो जैसे ही आप इनहेल करोगे तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जलन होने लगेगा, आंखों में पानी है, आंखों में जलन होने लगेगी, नोज में जलन होने लगेगी, समझ पा रहे हैं?
भाई जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो पानी तो तुरंत ही मिल जाएगा उसको, और पानी मिलने का मतलब तुरंत अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। चलिए, द गैस लिबरेटेड व्हेन फ्यू एमएल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउर्ड ऑन मेटल कार्बोनेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कराओगे तो गैस कौन सी निकलेगी, CO2 बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड हमेशा 60 CO2 वाटर देता है। मेटल कार्बोनेट के साथ, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, उसके साथ कोई भी एसिड लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो 60 CO2 वाटर देता है। इन्होंने क्या कहा कि एक मेटल कार्बोनेट लिया है, मेटल कार्बोनेट, और उस पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो कार्बोनेट पर एसिड डालने पर कौन सी गैस निकलेगी बताओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड MCO3 प्लस H2SO4 रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा MSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर, तो एक ही गैस निकलेगी, कौन सी, CO2। समझ पाए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आज के पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया हो? मजा आया, सिंपल क्वेश्चन लगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर वो लोन पेयर कहता तो सही हो जाती बात आपकी, समझ रहे हैं? Yes. हाँ, अगर लोन पेयर कहता तो बात देखो सुनो, लोन पेयर डोनर बेस होगा, एक्सेप्टर एसिड होगा। अगर उसमें होता लोन पेयर एक्सेप्टर ऑप्शन तो बात आपकी सही मान लेते हम। लोन पेयर डोनर होगा तब भी वो लुइस बेस होगा, एसिड नहीं होगा। ओके यस, ठीक, ओके, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, ओके, ये लो।